ये महीना दिसंबर का था और आज की तारीख थी 29 दिसंबर 2023। अगर आप लोगों को याद है तो मैंने रामगंगा नदी में रिवर साइड कैंपिंग की एक सीरीज स्टार्ट की थी और अपना टारगेट थल से होकर बहने वाली रामगंगा नदी की अलग अलग लोकेशंस में कैंपिंग करने का था। बीच में मानसून का टाइम होने की वजह से इस सीरीज में कोई वीडियो नहीं आ पाई, पर ठंडों के महीने रामगंगा नदी के शांत स्वभाव को देखते हुए मेरा प्लान फिर से इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करने का बना। आज की वीडियो रिवरसाइड कैंपिंग की तीसरी वीडियो रहने वाली है और अगर पिछली दो कैंपिंग लोकेशंस की बात करूं तो इस सीरीज को मैंने अपने होम टाउन थल से शुरू किया था और अपना टारगेट इस नदी के ओरिजिन तक अलग अलग जगहों में कैंपिंग करना था। पहली कैंपिंग थल के पास, फिर दूसरी कैंपिंग थल से आगे तेजम में करने के बाद आज का प्लान नदी के ओरिजिन के थोड़ा और नज़दीक यहाँ कहीं कैंपिंग करने का था। अगर आज की कैंपिंग लोकेशन की बात करूँ तो आज की कैंपिंग लोकेशन तेजम से होकरा को जोड़ने वाले रूट में होकरा से लगभग 8 किलोमीटर पहले नदी के किनारे रहने वाली थी। तो टाइम हो रहा है 4 और अभी हम लोग यहाँ से नदी का रास्ता देख के नदी में उतर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला यार, 3-4 जगहों से देखा तो एक जगह से थोड़ा सा सही रास्ता दिख रहा है। यहाँ पे गाड़ियाँ लगा के यहाँ से कहीं से पैदल है रामगंगा। तो अभी रामगंगा में उतर रहे हैं यहाँ से किनारे तक। नीचे जो दिखाई दे रही है वो है रामगंगा नदी, वहाँ पहुँचते हैं यार। रास्ता खराब है यार, एक तो आज मैं जूते गलत पहन के ला गया यार, इनकी ग्रिप 0 है भाई, इस पे बहुत गंदे फिसल रहे हैं, जो ये घास है ना पैर फिसल रहे यार, पैर स्लिप कर रहे हैं इसमें, तो बहुत ध्यान से चलना पड़ रहा है। ये कोई गांव का प्रॉपर रास्ता नहीं है, लेकिन ऐसा है कि गांव वाले यहां से जाते होंगे कुछ काम से, उधर कहीं एक गांव भी था उस साइड नदी के किनारे ही, यहां पे मिला एक आंवले का पेड़, आंवले खा रहे हैं, विटामिन सी। और आज के साथ ही लक्की भाई और मोंटू चचा। जानवर को होता है नशा बनाया होता है उनने, पास मार उमर बैठती जा रही, फिर लगते है ठहरा है फिर यार बढ़िया उम्र ले ला रही है। ऊपर कहीं से झाड़ियां पार करते हुए रास्ता तो कुछ भी नहीं था, अभी हम ऐसी जगह में हैं कि जहाँ से आए हैं ऊपर भी झाड़ियाँ हैं और अपने अगल बगल पूरी झाड़ियाँ हैं, तो हमको जाना तो है कहीं, नीचे जाना है वैसे नदी किनारे। इस पहाड़ में कहीं ऊपर से आने के बाद जो बीच में आपको झाड़ियाँ दिखाई दे रही है इनसे होके आए यार हम बीच में। तो अभी हम लोग रामगंगा नदी के किनारे लगभग उतर आए हैं। यहाँ पे बीच में रेत भरी हुई है, लग ऐसा रहे कि मानो अपने लिए परफेक्ट लोकेशन है ये। एक टेंट लेके आए हैं 2 मैन और लोग हैं 3, और सीधे दरवाजा खोलते ही नदी का व्यू होगा यार, ये बहुत प्यारी लोकेशन हमको दिख गई यहाँ पे। व्यू दिखाऊं यहाँ से, कुछ ऐसा व्यू है देखिए, ये है रामगंगा। पार पे भी एक स्पॉट दिख रहा था लेकिन इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता यार। रोड से लगभग 0.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम रामगंगा नदी के किनारे पहुंचे और नदी के किनारे कैंपिंग के लिए एक शानदार सी लोकेशन दिखाई दी। शाम के 5 बजे रामगंगा नदी के किनारे पहुंचते ही मानो सारी चीज़ें पहले से सेट थी। नदी अपने साथ कुछ लकड़ियां बहा के लेके आई थी जो अच्छे से सूखी हुई थी। नदी का पानी क्लियर नहीं था पर पीने का पानी हमको नज़दीक में ही मिल गया।
तो अंधेरा होने से पहले ही फटाफट कैंप सेटअप किया, आग जलाई और आग जलाते ही सुकून सा मिल गया। अभी कैंप लगने के बाद यहाँ पे पायदान बनाया जा रहा है, मतलब पैर पोछने के लिए कुछ ऐसा, ताकि अंदर बाहर जब भी आए तो रेता लग के टेंट के अंदर ना जाए। तो यहाँ पे भी आटा गूंदा जा रहा है, कुछ खास बनाने की तैयारी है। आलू भर दिया इसके अंदर, पराठा वो कहाँ गया हो? वो तो साइड रख दिया। हाँ ये बनाया भाई, ये देखो पहली ट्राई में। ना ना टेस्ट तो बढ़िया आ रहा है, देख के जज मत करो यार, ठीक हो रहा है ना। अब तुम किसको कहोगे यार पराठा, अगर इसको पराठा नहीं बोलोगे तो भाई जो होते हैं ना तेल दाब के और बन रहे हैं वंतोली वाले पराठे। यार एक बार मध्यमेश्वर की यात्रा में वंतोली नाम की एक जगह आती है, वहाँ पे इतने स्वादिष्ट पराठे खाए थे, अभी तक की मेरी जिंदगी के सबसे ये पराठा देखिए पूरा रेत में सना हुआ है यार, ये देखिए रेत लगी है भाई पूरी इसमें। तो मैं क्या बोल रहा था कि यार वंतोली में मैंने पराठे खाए थे, वो शायद मेरी जिंदगी के अभी तक के सबसे स्वादिष्ट पराठे थे। मस्टर्ड ऑयल इसके बीच में बहुत छोड़ दूंगा, इस वेडी इसमें। वाह यार तो फाइनली यार खाना बन के तैयार है, आलू के पराठे हैं और चाय है, लोकेशन बहुत प्यारी है, अभी खाना खाते हैं और गुड नाइट करते हैं, कल सुबह आपको दिखाते हैं कुछ प्यारे से नज़ारे इस जगह पे से। एक ओर रामगंगा नदी का बहता पानी था, वहीं दूसरी ओर आग जला के रात का खाना नदी के किनारे बैठ के खाया। जिस जगह पे आज हमने कैंपिंग की वो जगह आसपास के गाँव के लोगों के अलावा बाकी लोगों की नज़रों से बहुत दूर थी। यहाँ भले ही नदी का शोर था पर बावजूद उसके यहाँ के शांत माहौल को साफ साफ महसूस किया जा सकता था।
धीरे धीरे चांद की रोशनी ने रामगंगा नदी के पूरे तट को रोशनी से भर दिया और कुछ फोटोज क्लिक करने के बाद मैं भी कैंप के भीतर सोने चला गया। सुबह बाहर निकल के देखा तो खिली हुई धूप थी और अपने ठीक सामने बहती हुई नदी का पानी। तो आज की तारीख है 30 दिसंबर 2023। नया साल आने में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, एक आज का और एक कल का। और सच बताऊँ तो पता नहीं चला है साल कहाँ गया यार। अपनी आज की वीडियो ये वीडियो थी रामगंगा कैंपिंग यानी रिवर साइड कैंपिंग। इससे पहले अगर आप लोगों ने इस सीरीज़ की पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी है तो उनको जाके भी चेकआउट कर लेना। मैंने प्लान बनाया था कि इस रामगंगा नदी के अलग अलग पॉइंट में अलग अलग जगहों पे कैंपिंग करता जाऊंगा और आगे बढ़ते हुए ग्लेशियर तक जाऊंगा। तो इसकी शुरुआत मैंने थल से करी थी क्योंकि अपने पिथौरागढ़ ज़िले के थल टाउन से होकर रामगंगा बहती है, जो निकलती है नामिक से और घाट साइड रामेश्वर में सरयू में मिल जाती है ये रामगंगा। फिर वही सरयू आगे जाके महाकाली मिल जाती है पंचेश्वर में। परसों से साल 2024 शुरू हो जाएगा। आप सभी लोगों को एडवांस में मेरी तरफ़ से नए साल की बहुत बहुत बधाई यार। उम्मीद है कि आपका जो आने वाला साल है, साल 2024 हो, आपके जीवन में खुशियां लेके आए, हर किसी के जीवन में यार। पूर्वी रामगंगा यानी रामगंगा ईस्ट के नाम से जानी जाने वाली रामगंगा नदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के नामिक ग्लेशियर से जन्म लेती है और पिथौरागढ़ के कुछ छोटे छोटे टाउन्स जैसे तेजम, नाचनी, थल और मुआनी से होते हुए घाट के पास रामेश्वर नाम की जगह में सरयू में मिल जाती है। आगे चलकर वही सरयू महाकाली नदी में मिल जाती है और टनकपुर के बाद वही महाकाली शारदा कहलाती है। टोटल 105 किलोमीटर लंबी रामगंगा नदी अपने ओरिजिन से नाचनी नाम की जगह तक 2 डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड करती है। नामिक ग्लेशियर से नाचनी टाउन तक जहां रामगंगा नदी की एक तरफ पिथौरागढ़ है तो वहीं नदी के दूसरी ओर बागेश्वर जिला पड़ते हैं। भाई पानी इतना ठंडा है, ग्लेशियर से निकल रहा है भाई 0 डिग्री टेम्परेचर के साथ। 2 मिनट के लिए पैर डाले और पैर सुन हो गए यार। अरे भाई पानी तो बहुत ठंडा है ये। रामगंगा में जितना पानी यहाँ पे इस जगह पे कोहरा नहीं लगा यार। अगर यही नदी नीचे होती थल साइड को वहाँ बहुत ज़्यादा हो जाती, क्योंकि बहुत सारी और सारी नदियाँ मिल जाती, छोटी छोटी गाढ़ गधेरे बोलते जिनको, तो वहाँ बहुत कोहरा लगता है। लेकिन यहाँ कम पानी होने के कारण शायद बिल्कुल कोहरा नहीं आया यार, वरना तो नदी में लगभग 10-11 बजे तक आजकल के टाइम पे कोहरा रहता है यार। वहाँ पे अपना कैंप लगा था जहाँ से धुआं आ रहे, और ऊपर कहीं से हम आए थे, जो रोड की कटिंग आपको दिखाई थी कल, वहीं से नीचे उतरे थे जंगल होते हुए, मतलब बीच में झाड़ियाँ थी काफ़ी, देखी होंगी आपने, और परफेक्ट स्पॉट मिला यार एक यहाँ पे। वापस लौटने से पहले नदी किनारे बैठकर चाय पीना आज की कैंपिंग का सबसे शानदार मोमेंट था। दिन के लगभग 12:30 बजे हमने अपना कैंप पैक किया, भारी बैग्स को कंधे में टांगा और ट्रैक शुरू किया, क्योंकि रोड में पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर का खड़ा ट्रैक करना था। अभी तक की अपनी 3 रिवर साइड कैंपिंग का अगर एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो बाकी सारी कैंपिंग वीडियोज से रिवर साइड कैंपिंग में कुछ अलग ही सुकून मिलते हैं।
क्योंकि बाकी तो सब स्थिर होते हैं, बस नदी का पानी निरंतर बहता जाता है। शायद यही कारण है कि रिवर साइड कैंपिंग का एक्सपीरियंस सबसे अलग होते हैं। अब अगर कोई भी दूर से यहाँ पे आएगा तो उसको दूर से ही देख के ये एक प्रॉपर कैंप साइट दिख जाएगी। आग जलाई हुई है, पत्थर रखे हुए, लकड़ियाँ है कुछ, और लकड़ियों की तो कमी नहीं थी। खैर अच्छा, बढ़िया रहा भाई, बहुत बेहतरीन रही तीसरी रिवर साइड कैंपिंग अपनी। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे, या तो किसी ट्रैकिंग वीडियो के साथ या फिर ऐसी किसी कैंपिंग वीडियो के साथ। वैसे तो ट्रैकिंग करेंगे, लेकिन जल्द ही आपको इस सीरीज़ को भी आगे कंटिन्यू करते हुए दिखेंगे हम लोग। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और इंटरेस्टेड लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना, और अगर इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बाय बाय।